और सबसे बड़ी बात इस इवेंट के सक्सेस होने में पारो भैया बहुत सबसे बड़ा फर्स्ट भी बड़ा था इंडिया एज अ इंडिया मैं सबको एक बात बोलूँगा कभी आपको मत सिर्फ सोचो और आगे बढ़ते जाओ चीज़ें अपने आप सोचो। कितना चैलेंजिंग रहा गौरव आप चंडीगढ़ से आए मुंबई नई सिटी अभी आओगे वंडरफुल शूट है कितना मुश्किल है कितना आसान रहता है चैलेंजिंग तो मैं बोलूँ मतलब बहुत सी प्रॉब्लम आई बहुत सी चीज़ें हुई हैं बट उनको अडॉप्ट किया चीज़ों को समझा और सबसे बड़ी बात हिम्मत निकाली और फिर वही बात आएगी कि जब ऊपर वाला आपके साथ होता है और आपको एक अच्छी सपोर्ट देता है उन्होंने कृपा भी मुझे अच्छा लगता है। बाकी ये है कि मतलब और भी लोग आए हैं बाकी कोई आर्टिस्ट आए हैं पारू भी है और मैं यही बोल सकता हूँ कि शायद ये लोग बराबर नहीं कर सकते। बॉलीवुड नाम बहुत इंटरेस्टिंग है और कैसे आपने सोचा गूगल कुछ नहीं एक्चुअली इसके अंदर ना इसके पीछे बहुत अच्छी स्टोरी है स्टोरी है और 2014-15 बहुत ज़्यादा दिक्कत जा रही है तो यूट्यूब पर कई नए शुरू हो और यूट्यूब पे मुझे ना सबसे बड़ी चीज़ होती है सॉरी किसी और मतलब जो किसी आगे को अब्यूज़ नहीं होता लेकिन मुझे यह था कि चैनल बनाते हैं चलो देखेंगे क्या होगा बट उससे बड़ा दिल और इस चैनल का नाम रखा मेरे दोस्त तो यार काम रखने क्या किया देन वी क्रिएटेड दिस नेम गूगल बॉलीवुड। हमारा ख्याल था कि अगर गूगल पे सब मिलता है दुनिया का तो गूगल पे मिलेगा वेरी हैप्पी। मुझे याद है जो मेरी फ़ोन पे इनसे बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सर आप बिलीव नहीं करोगे तो आपको याद नहीं होगा। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि हमारी सबसे पहले फाइट जो थी वो आपने हम ली और टुडे वी आर 6 years old एंड ये पहला हमारा वर्ष वी वांट टू फेलिसिटेट शॉर्ट आई डोंट प्रॉमिस बट अभी मेरी शूटिंग आज इतनी जल्दी कहा अर्जुन आपका न्यू सीनियर गाना इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? शूटिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा? तो हमने शुरुआत 12 बसी से की और गंगा दशहरा के दिन किया वेरी हैप्पी क्योंकि बहुत ऑस्पिशियस डे होता था और मेरा पहला शॉट भी गंगा जी से निकलने का तो मैं कंसिडर मैं सेट करती और परसों शो रिलीज़ हो रहा है तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी सपोर्ट करें और जितने भी लोग हैं ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी बात सुने और शो देखें। प्रोमो को लेकर काफ़ी लोगों ने पसंद किया है और आप क्या कहना चाहिए आपको किस तरह का रिएक्शन एवरीबडी लव द प्रोमो आई थिंक प्रोमो को इतना प्यार मिला है एंड उन्होंने शूट भी बहुत अच्छे से किया है वेरी हैप्पी और जो कमेंट्स और जितने लाइक्स आए हैं वापस